संस्कृत महाविद्यालय में बैठक हुई और खजुराना गणेश रणजीत हनुमान मंदिर के पुजारी ने इस दौरान यहां पर शामिल हुए थे। उन्होंने भी अपने विचार विमर्श और अपनी बातें कही हैं। आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर लगातार लंबे समय से तैयारियां भी की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि आखिर 31 अक्टूबर को दिवाली होगी या 1 नवंबर को, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 1 नवंबर को ही दीपावली मनाई जाएगी। खजुराना गणेश और रणजीत हनुमान मंदिर के पुजारी इस दौरान शामिल थे। पुजारियों ने भी 1 नवंबर को दीपावली मनाने का फैसला लिया है। सराफा व्यापारी एसोसिएशन 31 अक्टूबर को दीपावली मनाएगा, तो वहीं पर शीतला माता बाजार में भी 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जाएगी। तो देखिए, 1 नवंबर और 31 अक्टूबर को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है कि आखिर ये भारतीयों का, हिंदू संस्कृति का और सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार होता है दीपावली, और इसी को लेकर अब ये संशय बना हुआ है कि 1 नवंबर को मनाएं या 31 अक्टूबर को। सभी शास्त्र और सभी पंचांगों का एक ही मत है कि 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। मेरा निवेदन है कि जहाँ भगवान राजा राम, जहाँ से दीपावली मनाई जाती है, जिनके नाम से दीपावली मनाई जाती है, अयोध्या में भी 1 नवंबर को ही दीपावली मनाई जा रही है सारे भारतवर्ष में। इसलिए और सभी विद्वानों का एक ही मत है कि 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाए। कुछ एक पंचांग जो है वो 31 तारीख का मत है, पर 31 तारीख को न लेते हुए 1 तारीख को ही दीपावली मनाए। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर दीपावली पर सस्पेंस क्यों बना हुआ है, आखिर क्यों सस्पेंस बरकरार रखा है, ये भी हम आपको बता देते हैं। अमावस्या 1 नवंबर को शाम 6 बजे तक रहेगी। पूरे दिन अमावस्या होने से इसी दिन लक्ष्मी पूजा का तर्क भी रखा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस दिन अमावस्या होती है, तो अगले दिन दीपावली का तर्क ये दिया गया है। तो वहीं 31 अक्टूबर को चतुर्दशी तिथि वाली अमावस्या है। ये भी आपको बता दें कि ये रिक्ता तिथि, इसलिए पूजन सही मानी जाती है। और वहीं पर 1 नवंबर को प्रतिपदा वाली अमावस्या में दीपावली पूजन श्रेष्ठ माना गया है। तो सभी ने अपने अपने तर्क दिए हैं। 31 अक्टूबर को लेकर यह कहा गया कि चतुर्दशी तिथि वाली अमावस्या है, तो वहीं 1 नवंबर को लेकर यह कहा कि प्रतिपदा वाली अमावस्या पर दिवाली पूजन श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए 1 नवंबर को दीपावली मनानी चाहिए। चलिए अब इसी खबर पर जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता पीयूष पारे जुड़ गए। पीयूष, एक संशय बना हुआ है कि 1 नवंबर या 31 अक्टूबर। अब इस बैठक के बाद में तमाम जो ऋषि मुनि थे और उसके साथी ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने अपने तर्क दिए, क्या अब स्पष्ट हो पाया है कि 1 नवंबर या 31 अक्टूबर? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट तो अभी भी नहीं हो पाया है कि दीपावली किस तारीख पर बनेगी। खासतौर पर इंदौर की हम लोग बात करें तो यह पहला मौका है जब दीपावली को लेकर ना सिर्फ शास्त्रार्थ हो रहा है बल्कि इसे लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर तकरार भी देखने को मिल रही है। इस मामले में आज संस्कृत महाविद्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक का भी आयोजन किया गया था। इस बैठक में मध्य प्रदेश ज्योतिष एवं विद्वत परिषद के तमाम सदस्य मौजूद रहे। खजराना गणेश मंदिर के पुजारी इस बैठक में थे, रणजीत हनुमान के जो पुजारी हैं वे भी इस बैठक में थे। और इस बैठक में तो ये फैसला लिया गया है कि 1 नवंबर को ही यहाँ पर दीपावली मनाई जाएगी। लेकिन बंसल न्यूज़ की टीम ने इस पूरे मामले में जब व्यापारियों को भी खंगाला, उनके मन के सवालों को जानने की कोशिश की, तो उनका यही कहना है कि वे 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाएंगे। यानी कि इंदौर में तो कहीं ना कहीं दीपावली को लेकर अब भी तकरार की स्थिति बनी हुई है। तमाम जो विद्वान हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वे तो यही कह रहे हैं कि हम 1 नवंबर को ही दीपावली मनाएंगे। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से तमाम व्यापारी एसोसिएशन ने 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने का फैसला लिया है, उसके बाद में ये कहा जा सकता है कि आम आदमी अभी भी यही पूछ रहा है कि आखिर दीपावली है किस तारीख को। बिल्कुल, तो ज्योतिषाचार्य और उसके साथ ही व्यापारी अपने अपने तरीके से यहाँ पर बातें कह रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया पीयूष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए, अब बैठक तो हुई और बैठक को लेकर उसके बाद में सराफा एसोसिएशन ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुना देते हैं। सराफा एसोसिएशन 31 अक्टूबर की दीपावली कर रहा है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि राम जी जब वनवास से आए थे तो उस दिन अमावस्या थी, तो दीप जला के उत्सव मनाया गया था। तो अमावस्या 31 तारीख को ही है, 31 की रात को ही दीप जलना चाहिए। 1 तारीख को अमावस्या शाम तक है, तो उस दिन हम छुट्टी रख के और सॉरी 31 एक तारीख को हम और 2 तारीख को हम जो है हमारा व्यापार का मुहूर्त कर रहे हैं और व्यापारी मिलन समारोह भी रहे।